यदि ये सब परिस्थितियाँ, ये सभी रूपरेखाएँ जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, ये हमारे ही क्रियाकलापों और गतिविधियों, कर्मों के परिणाम हैं, तो फिर अच्छा है कि हम इन्हें स्वीकार करना तो पड़ेगा। हंसकर या रोकर, हंसकर स्वीकार करेंगे तब भी स्वीकार करना पड़ेगा, यदि रोकर स्वीकार करेंगे तो भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि सहर्ष स्वीकार कर लें, अपनी चूकों को, अपनी गलतियों को मान लें। यदि अपनी चूकों को और गलतियों को हम मान लेते हैं तो हमारे सुधार की, हमारे संशोधन की, हमारे संतुलित करने की गतिविधियों की रूपरेखाओं की स्थितियां तैयार हो जाएंगी, हम अपने जीवन में बदलाव कर सकेंगे और अपने जीवन में बदलावों के द्वारा ही, संशोधनों के द्वारा ही अपने जीवन को सकारात्मकताओं की ओर, सत्कर्मों, सद्गुणों, सद्राहों, सदचरित्रों की ओर ले जाया जा सकता है। जब तक अपने जीवन को इस संशोधन की जीवन शैली में नहीं ढालेंगे, तब तक हम अपने आप को ही नुकसान दे रहे हैं। जिस क्षण हम खुद को संशोधित करने की आदत डालेंगे, हमारे जीवन में नई नई क्रांतियां होने लगेंगी, हमारा जीवन सुखमय और सफलता से ओतप्रोत होने लगेगा।